एवरीवन, दिस इज आरती मदान, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। ये मैं नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जिसमें हम बेसिक चीज़ें बनाएंगे जो बिगिनर्स भी, जो अभी अभी कुक करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी आसानी से घर पे बना सकें। आप मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे कि ये आपका कस्टर्ड बहुत ही थिक और क्रीमी बने। इसके लिए हम लेंगे दूध, कस्टर्ड पाउडर, चीनी, बनानास, एप्पल, मैंगो, ब्लैक ग्रेप्स, ग्रीन ग्रेप्स और पोमेग्रेनेट। सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे दूध को। अभी ध्यान रखें, मैंने गैस का जो फ्लेम है उसे ऑन नहीं किया है। इस गिवन पॉइंट पे हम कस्टर्ड पाउडर के अंदर डालेंगे मिल्क। आप कभी भी गर्म मिल्क मत डालिए वरना जो आपका कस्टर्ड है उसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो रूम टेम्परेचर दूध हो या ठंडा दूध हो उसको आप इसमें मिलाएं और अच्छे से आप उसको स्टर करें जब तक जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम स्मूथ फॉर्म हो जाए। आप देखिए ये बिल्कुल अच्छे टेक्सचर का हो चुका है। अब हम अपनी फ्लेम को ऑन कर देंगे और हमें इसे कुक करना है जब तक इसमें 3 से 4 बॉयल्स आ जाएं। हमें मिल्क को रिड्यूस नहीं करना, हमें सिर्फ इसमें बॉयल लाने हैं, सिर्फ हमें इसको उबालना है। तो आप देखिए 3 से 4 बॉयल्स बाद अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। चीनी डालने के बाद आप इसको लगातार हिलाएं और कुक करें जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। आप साइड्स को भी स्क्रेप करिए। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड। आप कस्टर्ड डालने से पहले चम्मच से अच्छे से हिला दीजिए क्योंकि ये जो बोल है उसके बॉटम में चिपक जाता है। अब लगातार हिलाते हुए आप कस्टर्ड को डालिए। आप इसको अब इस गिवन पॉइंट पे बिल्कुल भी छोड़िए मत वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो आप देखिए मैं लगातार स्टर करती जा रही हूँ और अब हमें इसको पकाना है 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट तक, जब तक ये थिक हो जाए। आप ध्यान रखें इस गिवन पॉइंट पे इसको लगातार आप स्टर करते रहें। अगर आपको कस्टर्ड बहुत ज़्यादा गाढ़ा पसंद है, बहुत थिक पसंद है, तो आप कस्टर्ड पाउडर थोड़ा और भी डाल सकते हैं। अब आप देखिए हमारा कस्टर्ड बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। इसको ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा हो जाता है। अब मैंने गैस बंद कर दी है बट फिर भी मैं इसको 2 से 3 मिनट तक स्टर करूंगी क्योंकि हम नहीं चाहते कस्टर्ड के ऊपर एक क्रीम या वो मलाई की लेयर फॉर्म हो। हम चाहते हैं हमारा कस्टर्ड बिल्कुल स्मूथ बने। तो आप इसको 3 से 4 मिनट तक और स्टर करें। आप इसको ज़रूर बनाएं और बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आरती मदान हैशटैग से ज़रूर टैग करें। मैं लगातार वहाँ बहुत सारे फूड अपडेट्स डालती हूँ और आप वहाँ मुझे फॉलो भी करें। अब आप देखिए मैं आपको एक ट्रिक दिखाऊंगी जिससे आपको पता चले आपका कस्टर्ड हो चुका है। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, वो बिल्कुल भी साथ में एकदम से नहीं आ रहा। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक बोल में और इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। अब जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है तब तक हम अपने फ्रूट्स को चॉप कर लेंगे। तो एप्पल्स आप लें, आपको जो भी फ्रूट पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें एप्पल्स, मैंगोज, बनानास यूज़ कर रही हूँ, अनार यूज़ कर रही हूँ, ग्रेप्स यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं अगर वो आपको पसंद है। तो आप इन फ्रूट्स को फाइनली चॉप करिए, बहुत मोटे मोटे पीसेस नहीं रखिए क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते खाने में। तो थोड़े अगर छोटे होंगे वो बहुत अच्छे लगेंगे। अब मैं काटूंगी मैंगो को। मैंगो लेते वक्त ध्यान रखें कि आपका मैंगो मीठा हो, उससे जो कस्टर्ड के अंदर का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। अगर मैंगो खट्टा होगा तो उसमें टेस्ट अच्छा नहीं होगा। तो अब आप इसको भी बारीक बारीक काट लीजिए। अब हम इसको स्कूप आउट करेंगे। आप देख सकते हैं मेरा मैंगो बहुत राइप है, बहुत मीठा मैंगो है ये। इसी तरह से हम बनानास को भी स्लाइस करेंगे। आपको छोटे बड़े जिस हिसाब से पसंद है आप बनाना को, केले को उस तरह से डालिए। तो आप देखिए हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे फ्रूट्स। आप कभी भी गरम कस्टर्ड में फ्रूट्स मत डाल दीजिए वरना आपका कस्टर्ड कर्डल्ड हो जाएगा।
मैं इसमें डालूंगी मैंगोज। अभी मैं एक साथ सारे फ्रूट्स नहीं डालूंगी, अभी थोड़े थोड़े करके डालूंगी। उसके बाद अगर मुझे लगेगा और चाहिए तो मैं और ऐड करूंगी। मैंगोज डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एप्पल्स। जैसे मैंने आपको कहा, आप अपने पसंद के, अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी फ्रूट लीजिए, जो भी फ्रूट सीजन में है आप वो लीजिए। कस्टर्ड ऑल अराउंड द ईयर खाया जाता है, ये बहुत आसानी से बन जाता है और लोग बहुत पसंद करते हैं। स्पेशली बच्चे अगर दूध नहीं पीते तो आप उनको कस्टर्ड बना के खिलाइए, उनके अंदर फ्रूट्स भी जाएंगे और दूध भी। तो ये बहुत ही हेल्दी डेजर्ट्स है इवन फॉर द किड्स। अब हम सारे फ्रूट्स को और कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको इसी पॉइंट पे भी खा सकते हैं और चाहें तो फ्रिज में रख के जब ये ठंडा हो जाए तब भी आप इसको इंजॉय करें। तो अब मैं अपने कस्टर्ड को रखूंगी फ्रिज में ताकि ये अच्छे से चिल्ड और ठंडा हो जाए। तो देखिए, तैयार है आपका फ्रूट कस्टर्ड। जरूर बनाइए इसे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और इंजॉय करिए। आई होप आपको ये सिंपल और बेसिक कस्टर्ड रेसिपी अच्छी लगी हो। तो चलिए बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में। आप इसमें कोई भी लो फैट या फुल फैट मिल्क यूज कर सकते हैं, दोनों से ही टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और जब भी आप मिल्क को कुक करें उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं करें, हमें सिर्फ उसको बॉयल करना है 2 से 3 बार। अगर किसी गिवन पॉइंट पे आपके कस्टर्ड में, जब आप कस्टर्ड का लिक्विड डालने जा रहे हैं, वो मिल्क के अंदर अगर लम्स आ जाते हैं तो उसकी कोई टेंशन नहीं, आप उसको और कुक करिए। और एंड में जब वो पूरा बन जाए, आप उसको एक बड़ी वाली स्टील की छन्नी से, जो मोटी छन्नी होती है, आप उससे छान लें, उससे आपका कस्टर्ड बिल्कुल स्मूथ निकल के आएगा। कस्टर्ड को आप ओवर कुक नहीं करिए, उसको बहुत ज़्यादा थिक मत कर दीजिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये कस्टर्ड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। आप अपने कस्टर्ड को ठंडा करने के बाद ही आप उसमें फ्रूट्स डालें, बहुत जल्दी नहीं करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कस्टर्ड कर्डल हो सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी मैं इस बिगिनर सीरीज़ में बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ आरती मदान। कीप एन्जॉइंग गुड फूड।